जैसे सूरज लेकर आए सवेरा, लेकर आए सवेरा, सूरज लाए सवेरा, सूरज लाए सवेरा, जैसे चंदा और तारे मिटाए जग का अंधेरा, सारी जग का अंधेरा, सारी जग का अंधेरा, वैसे नारी दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा, नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा। राजलक्ष्मी, मैं ये देश छोड़कर जा रहा हूँ। ये क्या कह रहा हो तू? मैं कह रहा हूं कि आज से तुम्हारा बंकू भी मेरा है, तुम्हारी उन मुंह बोली बेटियों के ब्याह का तुम्हारा वचन भी मेरा है, तुम्हारी जबान से निकली हुई हर बात को पूरा करने का धर्म भी मेरा है, क्योंकि तुम मेरी हो राजलक्ष्मी। तुम्हारे हर वचन को उसी तरह पूरा कराऊंगा जिस तरह के उसे पूरा करने की तुम्हारे मन ने इच्छा की है, और उसी की सुविधा के लिए मुझे तुम्हें और इस देश को छोड़कर जाना होगा, और मैं जहां भी रहूंगा तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा रहूंगा, और जिस घड़ी भी तुम्हें इस भार से मुक्त कर दूंगा तुम्हें अपने और सिर्फ अपने लिए पाने को लौटाऊंगा। राजलक्ष्मी से विदा होकर जब मैं बर्मा की यात्रा पर निकला तो मुझे एक और स्त्री के दर्शन हुए जिसने अन्नदा और राजलक्ष्मी के युगों को अपने एक पांव तले रौंद कर अपना दूसरा पांव आने वाले युग के बीच धर दिया। प्रकृति जिस महान शक्ति को स्त्री और सिर्फ स्त्री के रूप में प्रकट कर पाती है, ऐसी शक्तिशाली, अभया नाम था उसका। कलकत्ते के कोयला घाट पर दर्शन हुए थे उसके। जहाज पर चढ़ने के इंतजार में हजारों यात्रियों की वो धक्कम धक्का थी कि दम न छाती के अंदर रुक पाता था, न बाहर निकलने की ही राह पाता था। इसी भीड़ में कहीं वो भी थी, भूख प्यास और थकन से चूर हर आदमी जिस स्थिति में फंसा था उसी स्थिति में मानो पत्थर का हो गया था। मेरे एकदम सामने एक कमजोर रोगी था, रोहिणी, अपनी पीठ पर लदी झोली को ऐसे संभाल रहा था जैसे उसमें हीरे भरे हों। मेरे जरा पीछे एक औरत थी, टगर। टगर की आत्मा उसके मन में न रहकर उसके रसगुल्लों के मर्तबान में बंद थी जो वो किसी भी मोल बर्मा ले जाना चाहती थी। पर इन दो खान भाइयों ने ये ठान ली थी कि भले वो बर्मा पहुंचे या न पहुंचे पर टगर के रसगुल्ले उनके पेट में अवश्य पहुंच जाने चाहिए। खान भाइयों और टगर के इस युद्ध में टगर के पति नंद मिस्त्री को हर पल अपनी मौत ही नजर आ रही थी। सुबह के अंधेरे से दिन इतना चढ़ा कि सूर्य सबके सरों पर आग बरसाने लगा। दूसरे यात्रियों की तरह अब मेरी भी हिम्मत टूट रही थी। अचानक कप्तान साहब नजर आए और उनके आदेश पर जहाज का शंख बजा। अब सभी यात्रियों की जहाज पर चढ़ने की महाभारत शुरू हो गई। बोर्डिंग, प्रिपेयर फॉर बोर्डिंग। डैम स्वाइन्स, डैम क्लाइंट्स। ओपन द गेट्स। देखता क्या, ओपन द गेट।
दरवाजा खोलो। ये आप सीधे क्यों नहीं खड़े रहते? अरे अरे मेरी पकड़ फाड़ी तेरे बंदर ने। अरे मेरे बंदर ने कहा फाड़ी। अरे तू क्या है? मेरे बंदर को बंदर ले। मेरे को बंदर ले। मेरे को बंदर ले। फाड़ी। अरे वो चलना नहीं आता। देखिए, अरे ये आप मेरे पोटली के पीछे क्यों पड़े हैं? धक्के पे धक्का, धक्के पे धक्का। मैं तो आपको गिरने से बचा रहा था। आप कुछ बीमार लग रहे हैं। अरे मैं क्यों होने लगा बीमार? बीमार होंगे आप। अरे संभालो अपने दोस्त को। अरे मार डाला टक्कर, मार डाला। बड़े प्यार से बोला था ये रसगुल्ले मत लेके चल, मत लेके चल। देखना ये रसगुल्ले तो बर्मा पहुंच जाएंगे और तेरे नंद की लाश यही रह जाएगी। Show me the certificates. अरे देखता क्या है, बड़े साहब हैं। सर्टिफिकेट दिखाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। Bogus. Bogus. Take them off my ship. Yes, yes. Oh, yes. चलो यार, निकल आ जाओ। नहीं साहब, नहीं आएगा। बहुत बुरे फंस गए हम। ठीक कहते हो भैया, आप तो अपने पांव भी अपना बोझ उठाने से इनकार कर रहे हैं। मन करता है लौट चले। भैया अब बताओ हम क्या करें? अपने कदम आगे बढ़ाते रहना यात्री का धर्म है और वही करना है। पर यहाँ तो कोई राह भी नहीं दिखती। दुनिया में कभी कोई राह न थी रोहिणी, हर राह किसी न किसी मुसाफिर की ठोकर ने बनाई है। हमें भी अपनी राह खुद बनानी होगी। उसके मुंह से निकले हुए इन शब्दों ने जंजीरें बनकर मेरे शरीर के रोम रोम को जकड़ लिया। जिसके मुंह से जीवन का इतना महान सत्य निकला था, उसकी सूरत देखने को मैं बंदी बनकर उसके पीछे चला। और फिर तो ऐसा अद्भुत हुआ, किसी खलासी ने मेरे सर से मेरा सामान ही उड़ा लिया। पर मुझे इसका ध्यान नहीं था, मेरी नजरें उसी को ढूंढती रही। उसके पास पहुंचने को इतनी शक्ति से आगे बढ़ता रहा कि अपने होश भी खो बैठा। आंखों के आगे हर चीज रंग बिरंगी रंगों की नदी बनकर बहने लगी। और जब होश आया तो मैंने अपनी आंखों को उसकी तलाश में जहाज के कोने कोने में भटकता हुआ पाया और अपने मन को उसी की आवाज की गूंज पर धड़कता हुआ सुना। दुनिया में कभी कोई राह न थी रोहिणी, हर राह किसी न किसी मुसाफिर की ठोकर ने बनाई है। हमें भी अपनी राह खुद बनानी होगी। सुभान अल्लाह, कोई बिरादर, क्या लजीज तैयार बकरा है तुम्हारा जी। ओए खाल के अंदर से गोश्त खुशबू मारता है। तुम बर्मा में इस बकरे पर कितना मुनाफा बनाएगा? मैं बकरे वाला नहीं हूँ। ओए तो फिर तुम कौन है? वैसे तुम इस बिरादर को भी बकरा ही समझो, फर्क सिर्फ इतना है कि ये तुम्हारे पेट के लिए बर्मा जा रहा है और मैं अपने पेट के लिए जा रहा हूँ।
ओए बिरादर, तुम तो बकरे की तरह लजीज बात करता है। तुम्हारा ओए बिरादर, इस सफर में कोई भी जरूरत हो तो इस खान को याद करना। हाँ। शुक्रिया। मैं तो किसी तरह आधा जिंदा आधा मुर्दा ऊपर पहुंच ही गया, पर हमारे साथ वो एक बहुत बीमार सा आदमी था ना, वो ऊपर चढ़ पाया या भीड़ में कुचल गया? ओए तुम उसका फिक्र मत करो बिरादर, खुशहाल खां उसको कोयला घाट के अवल फाटक से देखा है। उस औरत में परवरदिगार ने 10-10 मर्दों का मर्दानगी भर दिया है। बा खुदा, वो औरत अपने उस मुर्दार मर्द को दर खैबर के उस पार पहुंचा सकती है। वो तुम उसका फिक्र छोड़ो बिरादर, क्या हाल हो गया है तुम्हारा? वो तुम अपना फिक्र करो बिरादर। मुझे तो उस खलासी ने हर फिक्र से खलासी ही दे दी, पानी की लुटिया तक नहीं छोड़ी जिसकी चिंता करूं। ए बिरादर, ऐसा बोल बोल कर खुशहाल खां खुशबख्त खां के मुंह पर तमाचा मत मारो। नहीं नहीं बिरादर, तुम हमारे साथ आओ, तुम हमारे साथ आओ, इधर आओ ना बिरादर, आओ आओ आओ। हम तुमको एक बात बताते हैं, हमारा बिस्तर अव्वल तुम्हारा बिस्तर, हमारा रोटी अव्वल तुम्हारा रोटी। ओए हम तुमको बिरादर बोला है, हम तुमको कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं होने देगा बिरादर, हम पे भरोसा रखो। अरे वो, अरे वो खलासी। अरे ओ खलासी साहब, आपने मेरा सामान कहाँ गायब कर दिया? अरे बाबूजी, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, ये क्या हाल बना रखा है? लगता है आप पहली बार जहाज में चढ़े हैं। मेरा सामान कहाँ है भाई? बाबूजी, आपके सामान में तो मेरा दिल अटका हुआ है। चलिए चलिए बाबूजी, चलिए आइए बाबूजी। ये रहा आपका बक्सा, और ये रहा आपका सिंहासन, और ये रहा आपका बटुआ। ये बटुआ तुम्हारे पास कैसे आया? बाबूजी, आपका बिस्तर लगाया तो आपके तकिए से गिर पड़ा, एक नजर डाल लीजिए, रकम बराबर है ना? खलासी जी, मुझे तो तुमसे क्षमा मांगनी चाहिए। क्यों पाप चढ़ाते हैं इस गरीब खलासी पर? आपका दास हूं बाबूजी। देवता हो तुम, मैं तो तुम्हें चोर डाकू समझकर हर पल कोसता रहा, और तुम मुझे नरक से निकालकर स्वर्ग में बसाने के जतन करते रहे। बाबूजी, आप मुसाफिर हैं, ये बोल बोल कर इस खलासी के दिल में स्वर्ग बसा दिया। कितनी मजदूरी हुई तुम्हारी? 8 आने बाबूजी, बाहर मोल लिखा है। पर काम तो तुमने अनमोल किया है, ये ऊपर के 8 आने भी तुम रख लो। नहीं नहीं बाबूजी, अब आपके इस खलासी के चल चलाओ के दिन चल रहे हैं, ऊपर की 8 आने ले भी लूं तो ऊपर नहीं ले जा सकता। लीजिए, रखिए आपकी 8 आने। बाबूजी, जहाज का बोंगा हो गया, अब खलासियों को नीचे उतरना पड़ेगा। अच्छा, राम राम। सत्यानाश जाए, सब भ्रष्ट करके ही छोड़ेंगे ये पापी, लगता है सब फेंकना पड़ेगा। खुदारा हमशीरा, ओए ये शोरबे में डूबे अंडे को मत फेंकना, ओए खुशबख्त और खुशहाल को खिलाएगा तो खुदा तुमको जन्नत में जगह देगा। मैं तुम्हारे खुदा की जन्नत में क्यों जाऊंगी? मेरे भगवान ने क्या स्वर्ग नहीं बनाया? तुम्हारे खुदा की जन्नत से बहुत अच्छा है। सुनिए, आपके साथ एक रोगी थे, वो ठीक से पहुंच गए या नहीं? जी, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ, कोई साथ ही ढूंढ रही थी। और आप? मैं तो पूरे परिवार के साथ हूँ। नंजी? मेरा परिवार। अरे आप पधारिए महाराज, पधारिए पधारिए पधारिए, इधर बैठिए इधर बैठिए। हाँ हाँ, जरा मैं साफ कर दूँ। बैठिए महाराज, बैठिए बैठिए। तगर, जरा इधर तो देख कौन पधारे हैं। शिरोमणि ब्राह्मण महाराज, इनके चरणों की धूल ले और इनको रसगुल्लों का भोग लगा, तेरे भाग जाग जाएंगे। परमा में लगाऊंगी। ब्राह्मण शिरोमणि महाराज जी, आप जरूर पधारिएगा हमारे घर, हैं? ओए बिरादर। अरे खान साहब, ओए अपने सब सामान वसूल पाया? हाँ, सब मिल गया था, और उस खलासी ने तो ऐसी जगह दिलवाई कि जी खुश हो गया।
ओए तुम खुश तो खुशहाल कहाँ खुश। भाई थोड़ा पानी मिल जाएगा? पानी? अरे जरूर महाराज जरूर। तुम लोग मालूम होता पहले भी बर्मा जा चुके हो? अरे बाबूजी बर्मा की सड़कों पे चलते चलते किसी से भी नंद मिस्त्री का नाम पूछिएगा आपको मेरे घर के दरवाजे पे लाके खड़ा कर देगा। अच्छा तुम वहाँ क्या काम करते थे? अरे मैं वहाँ पर मिस्त्री हूँ बाबूजी, मिस्त्री। बर्मा का हर मिस्त्री अपना काम करने से पहले नंद मिस्त्री का नाम लेता है और बाद में श्री गणेश करता है। तब तो अच्छा ही हुआ आप लोगों से मुलाकात हो गई। बर्मा में किसी साफ सुथरे ठीक ठाक दाम के होटल का भी पता मिल जाएगा। होटल? अरे बाबू आप होटल की बात कर रहे हैं, रंगून में नंद का घर होते हुए आप होटल में रहेंगे? ये तो तुम्हारी भल मनसाई है नंद। अरे बाबूजी बर्मा में हम दोनों का एक छोटा सा घर है, मानो सुख और शांति का स्वर्ग है स्वर्ग। हमारे यहाँ कोई बाल बच्चा भी नहीं है, यूं समझिए कि मैं और मेरी धर्म पत्नी आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्या कहा तूने? जरा दोबारा तो बोल। माफ करना मेरे से भूल हो गई, भूल हो गई। अरे गहरे इन सब जनों के सामने मुझे धर्म पत्नी पुकार के मेरी मर्यादा भ्रष्ट करने की कोशिश की है? तो आप इनकी धर्म पत्नी नहीं है? कैसे हो सकती हूँ, कहाँ टगर का महान कुटुंब जात और कहाँ ये केवट मिस्त्री, फूटी कौड़ी नाली में पड़ी। बाबूजी आज आप इंसाफ कीजिए, ये टगर 20 साल से मेरे घर में रहती है, मेरा खाती है मेरा पीती है, सांस सोती है और भी। हाँ हाँ सारे जग के सामने अपने आप अपने मुंह से कहती हूँ कि तेरे घर में रहती हूँ, तेरा खाती हूँ, तेरे साथ सोती हूँ, तो उससे क्या हुआ नास पीटे। तू ये बोल कि आज तक अपनी रसोई में तुझे पाँव धरने दिया है? झूठ क्यों बाबूजी बोलूं, ऐसा किसी भी दिन नहीं हुआ। तो फिर कैसे तेरी जबान से धर्म पत्नी निकला? तो और क्या निकलेगा इस जबान से, टगर अब मैं तुझे बहन या माँ तो बोल नहीं सकता हूँ, तू ही बता तुझे और क्या बोलूँ। अरे टगर बोल रखेल बोल, पर धर्म पत्नी मत बोल। क्या समझा? भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई। आखिर पूरे 20 साल की हमारी दोस्ती है, उसमें गड़बड़ हो जाती है, जबान फिसल जाती है। मैं कह रही हूँ आखिरी बार मैं तुझे कह रही हूँ कि अगर तेरी जबान से धर्म पत्नी निकला ना तो तेरी गुत्ती में छेद करके उधर से जबान खींच लूंगी। क्या समझा? बोलेगा धर्म पत्नी? बाबूजी पानी तो पीते जाइए बाबूजी, बाबूजी पानी तो पीते जाइए। बोल बोलेगा बढ़ाता चल, मंजिल पे पहुंचेगा आज नहीं तो कल, झूम के गाता चल। राही रे राह बनाता चल, ओ ओ ओ ओ। हर शहर तेरी ठोकर में वो बिजली होके बादल है, कौन जो तुझको रोके, है कौन जो तुझको रोके, झूले आकाश का आंचल, आसमान के सभी सितारे कदमों तले बिछा ले, कदमों तले बिछा ले। हर नामुमकिन को मुमकिन करते हैं हिम्मत वाले, ज्वाला है बाहों में है बल, झूम के गाता चल। राही रे राह बनाता चल,
मंजिल पे पहुंचेगा आज नहीं तो कल झूम के गाता चल